किसी का भाई किसी की जान के ट्रेलर का लोग ऐसे वेट कर रहे थे कि भाई साहब लाइव चैट में प्रीमियर में ही लोग लिख रहे हैं कि भाई साहब प्लीज अपलोड कर दो, हमें रोजा खोलना है। मतलब भारी फैन फॉलोइंग है भाई। सबसे पहली बार ट्रेलर शुरू हो रहा है संस्कृत के श्लोक से, खत्म हो रहा है वंदे मातरम पे, और जो मेन कैरेक्टर उसका नाम रखा है मूवी में भाई जान। मूवी के प्लॉट का इन तीनों चीजों से कोई खास रिश्ता नहीं है, क्योंकि प्लॉट कुछ कुछ ऐसा है कि ये तीन चार भाई हैं जिनके अंदर से मतलब सबसे बड़े भाई की शादी नहीं हो रही है, और इस वजह से उनके छोटे वालों की शादी नहीं हो रही है। बड़े वाले भाई यानी सलमान खान को एक लड़की पसंद भी आ जाती है, तो जो उसका भाई है वो मेन प्रॉब्लम है। तो हमें साफ पता चलता है कि जानबूझ के ऐसे फैक्टर्स खासकर डायलॉग्स के अंदर ऐड किए गए ताकि सब खुश रहें, और कोई बुराई भी नहीं है, पर उनको जरूरत पड़ रही है क्या इन चीजों की। जब मूवी का लोगो लॉन्च हुआ था तो मैंने सोचा था यार कोई डीप मीनिंग होगा या फिर कुछ सोच समझ के लोगो रखा गया, लेकिन ट्रेलर देखने के बाद मुझे क्लियर हो गया कि भाई ये लोगो सिर्फ ये सोच के रखा गया है कि हमारा भाई एक गोल्डन हार्टेड बंदा है जो कि प्यार के साथ साथ उस दिल के अंदर हथियार भी रखता है, तो जो प्यार मांगेगा उसे प्यार दिया जाएगा, जो गुंडे हैं उनको गुंडागर्दी दी जाएगी। भले मैं इसे मजाक में कह रहा हूँ पर ये सीरियसली यही मीनिंग है इसका। ट्रेलर देखो आपको पक्का समझ में आ जाएगा। भले सारी चीजें पॉजिटिवली चल रही, लेकिन दो चीजें उनको बिल्कुल भी अवॉइड नहीं किया जा सकता। पहली बात तो ये, या तो लोग सलमान खान के तगड़े वाले फैन है या फिर लोग सलमान खान को हेट करने लगे हैं, बाकी लोगों को फर्क पड़ता ही नहीं है कि मूवी आई है या नहीं आई है। दूसरा, ये रीमेक है। मैंने पहले भी बताया था कि किसी का भाई किसी की जान मूवी रीमेक है 2017 में आई एक तेलुगु फिल्म पवन कल्याण की जिसका नाम है कट्टम्मा रायुडू। गलत बोला तो गाली मत देना। पवन कल्याण की ये फिल्म भी रीमेक है 2014 की तमिल फिल्म जिसका नाम है वीरम। वीरम ब्लॉकबस्टर हुई, कट्टम्मा रायुडू फ्लॉप हुई, और किसी का भाई किसी की जान क्या होगी भाई। ये चीज पे मुझे डाउट हो रहा है कि भाई ये हिट होगी कि नहीं होगी, क्योंकि इसके डायरेक्टर हैं फरहाद सामजी। भले सलमान खान का फैन किंगडम बहुत तगड़ा और बहुत ही वास्ट हो, लेकिन उसके बावजूद भी आज के टाइम में लोग कंटेंट को ज्यादा महत्व देते हैं, और किसी का भाई किसी की जान को डायरेक्ट करने वाले फरहाद सामजी खास इसलिए भी बन जाते हैं क्योंकि ये हेरा फेरी 3 के भी डायरेक्टर हैं। अब लोग हेरा फेरी 3 के लिए ही प्रे कर रहे हैं कि भाई इस मूवी को बचा लो। क्यों? क्योंकि इन्होंने अब से पहले जो मूवीज बनाई उनकी लिस्ट कुछ ऐसी है कि हाउसफुल 2, 3, 4, बच्चन पांडे, और अभी हाल ही में रिलीज हुई एक वेब सीरीज जिसका नाम है पॉपकॉर्न। आई थिंक अब आपको समझाने की जरूरत नहीं है कि क्यों लोग फरहाद सामजी की डायरेक्शन पे इतना डाउट करते हैं। इन सब चीजों को साइड में रखते हुए मैं ये कह सकता हूँ कि ट्रेलर मुझे प्रॉमिसिंग लगा, जैसी उम्मीद थी वैसा ही ट्रेलर आया है, और एक्शन सीन्स बिल्कुल साउथ की मूवीज जैसा मास एक्शन होने वाला है। और इसी एक्शन सीन में से एक शॉट तो मुझे बहुत पसंद आया जो ट्रेन वाला, और ऐसे 360 डिग्री कैमरा घूम के आता है और फिर किक पड़ती है, भाई साहब वो मेरे को काफी पसंद आया। बट वही सीन मुझे थोड़ा सा अनरियल भी लगा, मतलब सबसे बेस्ट शॉट और उसके अंदर ऐसा लगा जैसे VFX से बनाया गया, और ऐसा फील होना गलत है। तीन चार भाइयों के फैमिली की स्टोरी और फैमिली ही मूवी होने वाली है। खैर मैंने नया कुछ नहीं बताया, सलमान खान हमेशा फैमिली मूवी बनाते हैं खासकर ईद पे। तो सलमान खान इस ट्रेलर में मुझे सलमान खान ही लगे, मतलब इन्होंने कोई नया करेक्टर बिल्ड नहीं किया। जैसे हम बॉडीगार्ड मूवी, जैसे हम रेड्डी मूवी के अंदर देखते आए हैं, वैसा ही कुछ कुछ करेक्टर इस बार भी होने वाला है, जो कि डेफिनेटली सलमान खान के फैंस को पसंद आएगा क्योंकि वो चाहते हैं सलमान खान का वो स्वैग वो वाइब देखना। लेकिन जो लोग अलग अलग एक्टिंग के वेरिएशंस देखना पसंद करते हैं उनको ये चीज अच्छी नहीं लगेगी, लेकिन काम तो वही किया जाएगा ना जिससे रुपया ज्यादा है, तो मेरे हिसाब से फैंस को ऊपर ज्यादा फोकस है। तो मेरे हिसाब से इस मूवी के इससे पहले के कोई भी वर्जन किसी ने नहीं देखा है, ओरिजिनल या ऑलरेडी किसी और भाषा का रीमेक नहीं देखा है, तो उनके लिए एक एवरेज मसाला फिल्म जरूर निकलेगी, और उनके फैंस के लिए तो हो सकता है एक ट्रीट निकले। बाकी पूरी मूवी आएगी तब पता चलेगा कि सलमान खान का इस रीमेक को बनाना और फरहाद सामजी को एज ए डायरेक्टर चुनना कितना अच्छा फैसला साबित होता है या फिर ये मूवी फ्लॉप हो जाएगी। अब फैसले सही साबित होते हैं या नहीं वो 21 अप्रैल को इसी चैनल NK टिप्पणी पर देखने आ जाना।